नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। जेवर में एक आम सभा का आयोजन हुआ जिसमें ईद उल जुहा 15 अगस्त व रक्षाबंधन के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारा बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जन जन के लोकप्रिय योगेश्वर राज नागर का भव्य स्वागत क्षेत्रवासियों ने किया। इस मौके पर किसान नेता अजीत दोला, बुलंदशहर की पूर्व जिला अध्यक्ष सपाल चंदेल वे स्थानीय नेतागण व आम जनता मौजूद थी। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हरियाणा के विधायक ललित नागर ने योगेश्वर राज नागर को धरती पुत्र व गरीबों का मसीहा बताया। सभी वक्ताओं ने योगेश्वर राज नागर में अपनी पूरी आस्था वह बताया कि सिर्फ योगेश्वर राज नागर ही हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को भली भांति जानते हैं। वह 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, सभी क्षेत्रवासी उनका सम्मान करते हैं। और यहां पर उपस्थित मेरे गुरु समान अजीत सिंह धौला जी और जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा, माननीय योगेश्वर राज नागर जी बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। इससे पहले 19 तारीख में सॉरी 9 तारीख में जेवर में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था उन्होंने के ये मुसलमानों का त्योहार नहीं, सभी का त्योहार है जी के द्वारा, क्योंकि आप यहाँ की बागडोर संभाल रहे हैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आपस फूल है, फूल खुद बता देता है ये किसका फूल है। ईद के इस त्योहार पर माननीय योगेश्वर नागर जी जिनके नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है उनका बहुत बहुत इस गांव में स्वागत है। और उस गांव के क्या यहाँ पे 400 गांव के लोग नजर आ रहे हैं मुझे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी खुददारी मार डालेगी, और मैं सच बोलता हूँ तो हुकूमत मार डालेगी। ये त्योहार परिवार, ये हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का देश है दोस्तों। लोगों का बहुत स्नेह आपने पाया है, एक दिन जरूर हरियाणा की पूरी समाज का आपको ये मौका मिलेगा और आप इसका नेतृत्व करेंगे। और चूंकि हरियाणा के चुनाव आ रहा है और उसकी तैयारी में नागर साहब लगे हुए हैं, हम सबको ये संकल्प लेना है कि जब उनका चुनाव हो, जब तैयारी हो। वो कहते हैं कांग्रेस के पास इतने बढ़िया आदमी है जो हमारे 10 साल से 20 साल से हमारे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इनको टिकट देने में क्या परेशानी है भैया। भाई बाहर से पिछला टिकट था रमेश संत तोमर जी गाजियाबाद से आ गए, वो बीच में छोड़ के भाग गए। अब का टिकट देगा वो अलीगढ़ से भाई साहब आ गए, एमआईयू के मालिक है उनके पिताजी जयवीर ठाकुर जी। उन्हें क्षेत्र में किसी ने देखा था उन प्रत्याशी को? कम से कम प्रत्याशी ऐसा हो जो 2-4 साल कम से कम चुनाव से पहले वो क्षेत्र जान ले और क्षेत्र को वो जान ले कि भाई हमारे क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छी बात है हरियाणा में चुनाव आ रहा है और दौला साहब ने कह दिया है हमारी मनोकामना, हमारी भी पूरी श्रद्धा आपके साथ है। अरे भैया जब इतना बड़ा एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है, एशिया का नंबर वन एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो सरकारी नौकरी देने में आपको क्या दिक्कत है? आप ही तो कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा एयरपोर्ट से, तो लाखों तो किसान यहाँ पे बर्बाद हो गए। सभी लोगों का धन्यवाद और अभिनंदन। सबसे पहले तो ललित नागर मान्य विधायक जी का स्वागत। मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर चुनाव में विधायक जी के जाता था, सिर्फ फोन पे बात होती थी, कभी मुलाकात हो जाती थी कभी नहीं भी होती। और कहने को तो ये दूसरा प्रदेश है और आमतौर से कोई भी राजनीतिज्ञ एक जिले से दूसरे जिले में भी रुचि नहीं लेता, लेकिन इनका प्यार देखे जब मैं चुनाव में जाता था वो बड़े मजे की बात मुझे देखने को मिलती। हरियाणा के लगभग हर एक जिले से इनके व्यक्ति आते हैं। मैं कभी जानते हो क्या नागर साहब को देना कहते हम तो किसी के थ्रू जाने आदमी अच्छे। मैं ऐसे जन सेवक का सम्मान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ
ललित बागाती उस्मानपुर की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, चमन चमन बहारों में तुम्हारी बात चले, चमन चमन बहारों में तुम्हारी बात चले, चांद और सितारों में तुम्हारी बात चले, है हमारी यही दुआ हर जगह तुम्हारी बात चले। भाई हमारे योगेश्वर राज नागर जी, भाई हमारे अजीत दौला जी, भाई मनोज चौधरी जी, भाई हमारे साहिद जी, हाजी जी, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई डॉक्टर शकील अहमद जी, हमारे साथी भाई राजीव जी, राहुल नागर जी, भाई भरत भाटी जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी हमारे साथीगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गवार नौजवान साथीगण, भाई विक्रम नागर जी, हबीब भाई, राजू नागर जी, मेहमान नागर भाई, मास्टर जी, स्वराज जी, सभी हमारे नौजवान साथीगण, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले तो मैं भाई शकील अहमद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कितना सुंदर आयोजन किया है इस ईद के पावन अवसर पर, कि हमें आपका दर्शन करने का मौका मिला, सब नेताओं को एक दूसरे के दर्शन करने का मौका मिला, और कितने प्यार से और मोहब्बत से आज हम अपनी बात रख रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं इसके लिए हम सब नेताओं की तरफ से शकील अहमद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि ये हर साल इसी तरह का आयोजन करें और हर साल बहुत बड़ा बड़ा आयोजन करें, अल्लाह ताला इनको ऐसी ताकत दे। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि जेवर विधानसभा में ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर में ही नहीं, सब जगह जो लोकल नेता हों उनको वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको मुद्दों का पता होता है, लोग उनके चाहते हैं, वो सेवा करते हैं बचपन से शुरुआत आखिर तक। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र के ही नेताओं को वरीयता देनी चाहिए। मुझे भी पता है कई बार यहाँ से बाहरी नेताओं को टिकट देकर भेज दिया और उसका हमारी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के हाईकमान हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको इस बात सफल रहा। और भाई ललित नागर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, जैसा पता ही अगस्त चल रहा है, दो महीने, एक महीना बीच में, और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ लोगों में इस जागृति का भी था, जो मौजूदा शासन है इसकी जो बाटो और राजकरों की नीति है वो ख़त्म हो, और सभी लोगों के लिए मंगलकारी ईद, बहुत बहुत मुबारक ईद, और स्वतंत्रता दिवस, और हिंदू भाइयों को रक्षाबंधन, सब अपना राजी खुशी मिलकर रहते आए, रहते रहें।